तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल क्वेश्चन के बारे में। आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लोगों को तैयारी भी अच्छे से करनी होगी, तभी एग्ज़ाम में आपको पूरी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये पिछले कई सालों के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं कुबेरनाथ राय जी से रिलेटेड होने वाले हैं। कुबेरनाथ राय जी सेकेंड यानी कि हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र के एक पार्लेसन है, उसी के लेखक हैं या रचयिता हैं, ठीक है, रचनाकार हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड मैंने सोचा जो भी क्वेश्चन इनसे पूछे जाएँ 2-4-6, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कुबेरनाथ राय का जन्म कब हुआ था। तो इसमें मैंने राय नहीं लिखा, लेकिन ये कुबेरनाथ राय जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक है महाराष्ट्र, बी नंबर है गुजरात, सी नंबर है उत्तर प्रदेश, डी नंबर है उत्तराखंड। तो कुबेरनाथ राय जी का जन्म जिन स्टूडेंट को मालूम है कहाँ हुआ था, बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो बताऊँगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश में कुबेरनाथ जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबेरनाथ के पिता का क्या नाम था, नंबर है हरशंकर, बी नंबर जगत राय, सी नंबर श्री बैकुंठनाथ, डी नंबर राम राय। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस 12 से 15 मिनट की क्लासेस होती हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं होती हैं, बस आप वीडियो कुछ देख लेंगे तो आपको ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, श्री बैकुंठनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबेरनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, नंबर एक बनारस, बी नंबर गाजीपुर, सी नंबर रायबरेली और डी नंबर है लखनऊ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर गाजीपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबेरनाथ की माता का क्या नाम था, नंबर एक है अंजनी, बी नंबर है लीला देवी, सी नंबर है लक्ष्मी देवी और डी नंबर है राम देवी। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, लक्ष्मी देवी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुबेरनाथ, सॉरी इसमें टाइप करने में थोड़ा मिस हो गया है, ठीक है, ये हटा दीजिए। कुबेरनाथ का जन्म कब हुआ था, नंबर एक है 1888, बी नंबर 1900, और सी नंबर है 1933 और डी नंबर है 1927। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 1933 ईस्वी में कुबेरनाथ राय जी का जन्म हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म और माता पिता का नाम इनके और इनकी निधन कब हुआ था, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा जर्नली हैं और याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबेरनाथ राय किस वर्ग के निबंधकार थे, नंबर एक व्यंग्यपूर्ण, बी नंबर भेद मूलक, ओस्ती नंबर है ललित, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो कुबेरनाथ राय जी ललित वर्ग के निबंधकार थे, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा किसका निबंध है, नंबर एक जैनंद, बी नंबर अज्ञेय और सी नंबर है कुबेरनाथ और डी नंबर है केशवदास। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, कुबेरनाथ राय जी का है। ठीक है, अन्नपूर्णा निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भगवान बुद्ध से किसने प्रश्न किया था, नंबर एक अजातशत्रु, बी नंबर स्कंदगुप्त, सी नंबर रामगुप्त और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो भगवान बुद्ध से प्रश्न किया था अजातशत्रु ने, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारी जानकारी मिलती है जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरी जो डेली क्लासेज है वो 7 बजे के बाद प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप 7 बजे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया नीलकंठी का रचना काल क्या है, यानी कि प्रिय नीलकंठी की जो रचना वो किस वर्ष हुई थी, नंबर एक है 1968, बी नंबर है 1971, सी नंबर है 1965 और डी नंबर है 1950। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस आखेटक किसकी कृति है, नरेंद्र,
निराला जी, सी भूषण जी और डी नंबर कुबेरनाथ जी। राइट आंसर डी नंबर कुबेरनाथ राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंध मदन की रचना किस वर्ष हुई? नंबर एक 1955 और 1972, 1960, 1980। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, 1972 ईस्वी में गंध मदन की रचना हुई जो कि श्री कुबेरनाथ जी की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार की भूमिका जीवन और किससे जुड़ी होती है? तो बोध से, अमृत से, विष से, तनाव से। तो जो साहित्यकार की भूमिका होती है वो जीवन, भूमिका जीवन और वो किससे जुड़ी होती है? तो वो जुड़ी होती है अमृत से, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराल 1993 किसका निबंध है? नंबर एक राम कुमार का, बी नंबर मोहन राकेश का, सी नंबर कुबेरनाथ राय का और डी नंबर है मोहन राकेश का। तो आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन होगा और चार ऑप्शन होंगे, जो राइट आंसर होगा उसको आपको सिलेक्ट करके ओमार शीट में आपको गोला करके फिल करना होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको एग्जाम में करना होगा, तो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, कुबेरनाथ राय का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगम की नाव किसका निबंध है? नंबर एक यशपाल, बी नंबर उपेंद्रनाथ अस्क और सी नंबर है कुबेरनाथ और डी नंबर है सोहन लाल। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, कुबेरनाथ राय। ठीक है, आगम की नाव जो निबंध है वो कुबेरनाथ राय जी का है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाहल और क्रोध की प्रोचना इन दोनों के साथ जुड़ती है, इसमें पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोलाहल और क्रोध की प्रोचना इन दोनों के साथ जुड़ती है, इसमें तीसरी बात क्या है? क्वेश्चन को समझिएगा उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कोलाहल और क्रोध की प्रोचना, ठीक है, हो गया। ठीक है, दो हो गए, एक ये और एक ये, मैं दोनों के साथ जुड़ती है, इसमें तीसरा बात क्या है? नंबर एक हास्य, बी नंबर संगठन, सी नंबर बैंक और डी नंबर है शब्द व्यभिचार। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, शब्द व्यभिचार तीसरा बात जुड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? नंबर एक बेला, बी नंबर है अर्चना और सी नंबर है आड़िमा और डी नंबर है प्रिया नीलकंठी। तो जो इनका प्रथम निबंध संग्रह था उसका नाम है डी नंबर प्रिय नीलकंठी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे रट लीजिएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो बेशक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज कॉपी पेन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल जिन स्टूडेंट ने अभी तक मार्केट से क्वेश्चन बैंक और आप लोगों ने सीरीज नहीं खरीदी तो प्लीज़ जाके खरीद लीजिए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, कि आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस आखेटक की रचना किस वर्ष हुई थी? नंबर एक है 1990 में, बी नंबर 1970 में और सी नंबर 1986 में, डी नंबर 1968 में। तो रस आखेटक की जो रचना हुई थी वो हुई थी 1970 में, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निषाद बांसुरी 1974 किसका निबंध है? कुबेरनाथ प्रसाद जी और हजारी प्रसाद जी, डी नंबर रामचंद्र जी। तो जो निषाद बांसुरी 1974 है वो है कुबेरनाथ राय जी का निबंध, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे अफसोस है कि, सॉरी ये टाइप करने मिस हुआ है। ठीक है, समझ लीजिएगा आप, यहाँ पर होना चाहिए मैं। ठीक है, टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है थोड़ा सा। तो मुझे अफसोस है कि मैं आपके सामने कोई क्रांतिकारी बात नहीं कह पा रहा हूँ, ये पीड़ा किसकी है? नंबर एक सज्जन की, बी नंबर दुर्जन की, सी नंबर श्रोता की और डी नंबर है लेखक की। तो ये पीड़ा है लेखक की, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेखक की पीड़ा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
कुबेरनाथ राय का निधन कब हुआ था या इनका देहांत या मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर एक है 1995, बी नंबर है 1998, सी नंबर है 2000 और डी नंबर है 1996। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है डी नंबर, 1996 में कुबेरनाथ राय का निधन हुआ था। ठीक है, तो इनके जन्म 1933 में हुआ और जो मृत्यु हुई 1996 में हो गई। तो ये तो आप लोगों दोनों याद ही होगी, माता पिता नाम याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनकी कृत क्या थी सारी आज की इस वीडियो मैंने आप लोगों को बता दी। जो भी कुबेरनाथ राय जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, जहां पर लिखा होगा sandeepinfo.com। तो ये सारे क्वेश्चन और आंसर दोनों वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वेबसाइट पर जाके आप सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, बहुत सारे लेखकों के और कवियों की मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पर। तो आप विजिट करिए और वहाँ से अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।